विज्ञान कहता है कि कोई भी भारी चीज पानी में डूब जाता है, लेकिन इसे देखिए, ये पानी में तैर रहा है। ये है राम सेतु शिला, और इसी के बारे में आपको एक कहानी बताएंगे कि ये राम सेतु शिला कहाँ से आया है, कितना इसका वजन है, और इस पत्थर की क्या कहानी है, ये सब बताएंगे। सच कहूँ तो उठाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि इसको उठाया नहीं जा सकता। ये कम से कम 10 किलो तो होगा ही। सर, आप ये बताइए कि ये राम सेतु शिला की कहानी क्या है, कब इसको लाया गया था, और ये पानी में डूबता क्यों नहीं? ये राम सेतु शिला है, इसको रामेश्वरम से लाए थे। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि जब भगवान जी को समुद्र पार करना है तो वहाँ नल और नील नाम के दो वानर थे। हाँ जो कोई भी चीज़ जो उठा करके पानी में फेंकते थे तो वो तैरता था। तो उन्होंने जो पत्थर को पानी में फेंका जिससे समुद्र में पुल का निर्माण हुआ था, वो शिला का एक टुकड़ा 11 किलो इसका वजन है, रामेश्वरम से हमने मंगवाया था आज से करीब 10 साल पहले। तब से ये शिला पानी में तैरता है। ये आम लोगों को, दर्शनार्थियों को, भक्तों को दर्शन के लिए यहाँ रखे हैं। सब इसे प्रणाम करते हैं, छू करके प्रणाम करते हैं। ये किसी कीमत में पानी में नहीं डूबता। अच्छा सर, कितना वजन बताया सर इसका? 11 किलो का वजन का है इसका, आप स्वयं उठा करके देख सकते हैं। इसको सामान्यतः छोटे लोग हैं उठा नहीं सकते, बड़े लोग हैं सावधानी से उठाने। और कांच में इसलिए रखा है ताकि दिखे कि पानी भरा है और तैर रहा है। इसको हम चाहते तो कहीं भी रख सकते थे, तो नीचे कुछ लगाए होंगे इसलिए तैर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कांच में है और पानी भरा हुआ है, तैरते हुए आपको दिखेगा। सर, रामायण की जिस कहानी को हम जानते हैं सर, जी, कि जब सीता माता को लंका ले जाया गया था रावण के द्वारा अपहरण करके, तब एक राम सेतु बनाया गया था, क्या उसी का हिस्सा माना जाएगा? हम तो यही मान के चलते हैं, क्योंकि जो रामायण में जो उल्लेख है और उसके बाद ये जो पत्थर है ये तैर रहा है, इसको हम शिला बोलते हैं, राम सेतु शिला पत्थर ही है ये। इसको हम यही मान के चलते हैं कि तत्कालीन जो उस समय का जो पौराणिक कथाओं में जो उल्लेख है वो बिल्कुल सत्य है, और ये उसका ही कुछ अंश होगा जो यहाँ हमारे यहाँ है। हमने तो देखा नहीं कि ये पत्थर को उन्होंने यहाँ डाला था, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि ये उसी का, उस पुल में जो निर्माण हुआ था, जो पत्थर फेंके थे, पाषाण जो फेंके थे, ये उसका ही कुछ न कुछ अंश है। ये बताइए, आपका क्या नाम है? तृप्ति अग्रवाल। क्या आप इस पत्थर को उठा के हमें दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखा पाएंगे। कितना वजन है, हम आपको चेक करके बताते हैं, चलिए देखते हैं। इसका वजन जैसे बाबा ने बताया, इसका वजन करीब 11 किलो के हिसाब से होगा। कितना भार महसूस कर रहे हैं आप? मैं इसका भार 11 के आसपास ही अनुभव कर सकती हूँ। बहुत भारी है ना? है बहुत भारी, 11-12 किलो लग रहा है मेरे को ये। तो 11-12 किलो का कोई भी भारी चीज़ आप पानी में रख के देख लीजिएगा ज़रा, तो पानी में ज़रूर डूब जाएगा। लेकिन ये जो पत्थर है, जो ये जो शिला है, वो पानी में नहीं डूब रहा है, इसीलिए इसको राम सेतु का शिला माना जा रहा है। और इसीलिए इसको देखने के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु मंदिर आते हैं, जैतू साव मठ में यहाँ पे दर्शन करते हैं, इसका आशीर्वाद लेते हैं। फिलहाल रायपुर में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज़ से रायपुर के लिए रवि मिरी।